Bell Bottoms. बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आपको बता दें कि अक्षय कुमार की बेल बॉटम काफ़ी ज़्यादा हाइप में भी बनी हुई थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि अक्षय कुमार की बेल बॉटम जो है आपको नज़र आने वाली है ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर। वहीं बेल बॉटम को लेकर ये खबरें आते ही इन बातों का खंडन किया गया और पूजा एंटरटेनमेंट ने इस बात को कहा कि भाई ये फिल्म जो है वो जहाँ पर जैसे भी और जब भी आएगी हम आपको बता देंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म मई महीने की 21 तारीख को ही रिलीज़ होने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, 2021 में ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी। यहाँ पर अब अक्षय कुमार की इस फिल्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है कि आखिरकार ये 21 मई को रिलीज़ होगी कि नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि फैंस अब इस फिल्म के ट्रेलर की भी डिमांड कर रहे हैं। फैंस ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं ट्विटर पर ट्वीट करके कि भाई इस फिल्म को 21 मई को रिलीज करना है तो कम से कम इस फिल्म के ट्रेलर को तो रिलीज किया जाए। अब फैंस की डिमांड अक्षय कुमार सुनते हैं या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि फिल्म पोस्टपोन होने के पूरे चांसेस रखती है, क्योंकि अक्षय कुमार चाहते हैं कि ये जो फिल्म है ये थिएटर्स में रिलीज हो और हाल फिलहाल थिएटर्स खुले हैं नहीं, जिस वजह से ये फिल्म थिएटर में तो रिलीज़ नहीं हो पाएगी। और OTT प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए तो अभी तक OTT किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसकी मुहर नहीं लगी है, यानी बेल बॉटम अभी किसी के भी अंडर नहीं आई है। अगर किसी के भी अंडर आई होती तो कुछ चांसेस बढ़ जाते। बहरहाल अक्षय कुमार की ये फिल्म बहुत ज़्यादा ही अच्छी होने वाली है। क्यों? क्योंकि फिल्म के अंदर कई सारे कैरेक्टर्स प्लस अक्षय कुमार का स्पाई वाला अंदाज दिखेगा, वो भी रेट्रो लुक के अंदर। अब अक्षय कुमार का लुक तो बेहद शानदार लग ही रहा था। आपको कैसा लगा है इसमें अक्षय कुमार का लुक और क्या आप इसके ट्रेलर के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं ये आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ इसे क्या थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाना चाहिए या OTT पर फैंस के लिए रिलीज़ कर देना चाहिए, हमें कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।